तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टडी कर रहे हैं क्लास टेंथ का। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग यहाँ पर हमारे पास सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। देन इसका नाम हम लिख देते हैं ए, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। और ये एंगल 90 और ये जो दो एंगल्स देख रहे हो आप, ये हमारा लेस देन 90 है, ठीक है। तो ये जो दो एंगल है लेस देन 90 है। और अगर हम एंगल ए को सपोज कंसिडर कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर मार्क कर दे रहे हैं थीटा, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल को कंसिडर कर रहे हो तो इसके सामने वाला जो ठीक साइड होता है उसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं ऑफ कंसिडर्ड एंगल। हमने एंगल ए के पास थीटा माना तो ये जो है उसके अपोजिट साइड है ना, 90 के जो ठीक अपोजिट वाला साइड होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो साइड बच गया, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके तरफ जो साइड है इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ कंसिडर्ड एंगल, ठीक है। और सपोज अगर हम ऐसा ट्रायंगल बनाते, इस बार हम एंगल ए बी और सी, इस बार हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे तो फिर यहाँ पे थीटा मार्क कर देते हैं, तो उसके ठीक सामने वाला साइड जो है इसको हम कहेंगे अपोजिट साइड ऑफ कंसिडर्ड एंगल, और इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। और फिर ये हमारा कहलाता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो जो हमारा अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, एडजेसेंट का मतलब होता है उससे उसके बगल वाला साइड। जैसे ये साइड है और ये एक रेक्टेंगल है, तो ये हमारा ए बी सी और डी, तो ए बी के अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगा, ये अपोजिट कहलाएगा। और ये वाला ए डी और ए बी क्या कहलाएगा, एडजेसेंट कहलाता है, ठीक है। तो जो साइड अपोजिट साइड के, जो कंसिडर्ड एंगल का अपोजिट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है। और जो एडजेसेंट साइड होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, बेस। और जो बच गया वो क्या हो जाता है, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस को यहाँ पे लाइन लिख देते हैं। हमारा पहला फंक्शन होता है साइन, SINE साइन। दूसरा होता है कोसाइन। फिर होता है हमारा नेक्स्ट टेंजेंट। फिर होता है सेकेंड कोसेकेंट एंड देन कोटेंजेंट, ठीक है। तो साइन SINE साइन, लेकिन हम जब लिखते हैं तो SIN साइन लिखते हैं। कोसाइन को हम टेंजेंट को हम टैन, सेकेंड को हम और इसको कॉट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर आपको रिलेशन याद रखना है, तो यहाँ पर हमारा जो साइन है, ध्यान रखना कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, एंड टैन का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट। और इसको याद करने का, आप जैसे पढ़े होगे साइन थीटा, नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा होता है पी बाई एच। तो इस तरह से आप जानो कि हमारा साइन का थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, डेट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, एंड टैन थीटा हमारा क्या होता है, पी बाई
बी, और हमने बताया कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो फिर कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, कॉस थीटा है तो फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, और टैन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। नाउ इसको याद करने का आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, याद रखना, इसको हम लिख सकते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, इधर ही लिख देते हैं, टाइटली पुल्ड बैक। इसका तरीका होता है कि S फॉर साइन, ठीक है, तो साइन थीटा होता है P बाई एच, देन C फॉर कॉस, कॉस थीटा होता है हमारा B बाई एच, एंड देन T फॉर होता है टैन, और टैन थीटा क्या होता है P बाई बी। तो आप इस चीज़ को याद रखने का तरीका, अगर आपको साइन भूल जाओ तो आप याद करो सम पीपल हैव, सो साइन थीटा इज P बाई एच, कर्ली ब्राउन है, कॉस थीटा इज बी बाई एच, एंड टाइटली पुल्ड बैक, टैन थीटा इज पी बाई बी। अगर आप कॉसेक का रिकॉल करो तो आप जानो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो साइन थीटा अगर पी बाई एच होता है तो कॉसेक थीटा एच बाई पी होगा, सेक कॉस का होता है कर्ली ब्राउन हेयर तो हेयर बाई ब्राउन मतलब एच बाई बी लिखोगे, टैन थीटा अगर पी बाई बी है तो टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट थीटा आप क्या लिखोगे, पी बाई बी बाई पी, यस। तो ये चीज़ आप समझ गए आई होप। उसके बाद हमने कुछ और रिलेशंस पढ़ना है क्लास टेंथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मूलाज होते हैं एक तरह से, आप लिखोगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इसका प्रूफ भी हम आपको दे सकते हैं। सपोज हम इस ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले हम ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, तो पहला हमारा आइडेंटिटीज होता है, याद रखना, फर्स्ट आइडेंटिटीज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। नेक्स्ट होता है हमारा आइडेंटिटीज कॉसेक स्क्वायर थीटा, लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, और हमारा तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो इसको याद करने का आपके पास तरीका है, जैसे आप याद किए होगे ना, आप सुने होगे ना शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये एसटी है तो शेड्यूल ट्राइब याद रखो, और ये चाचा चौधरी याद रखो, तो एससी एसटी और सीसी, ये ट्रिक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। अब जैसे इसको मान लेते प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या वन आता है, तो हम यहाँ पर इसका प्रूफ दिखाते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमने क्या पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव पी बाई एच, तो पी ए ही है ना सामने वाला, तो बी सी हमने लिख भी दिया यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, तो ये तो बी सी बाई ए सी हो जाएगा ना, उस पूरे का स्क्वायर है, और कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, तो ये ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस ए बी, कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करोगे तो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस सर हम जानते हो ना कि ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर आ जाएगा ना, ये तो कट के वन आ जाएगा। इस तरह से आप बाकी भी आइडेंटिटीज़ को यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमारा कुछ रिलेशन जिसको रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं, तो आप इस तरह से ये सारा चीज़ इस चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करेंगे। जैसे ये एक गिवन आइडेंटिटीज़ है ना,
तो आपको कुछ एल एच एस गिवन होगा और आर एच एस गिवन होगा, और आपको करना क्या होगा कि उस आर एच एस को एल एच एस को आर एच एस में, या फिर आप आर एच एस को एल एच एस में कन्वर्ट करोगे। तो वो कन्वर्जन करने के लिए आप ये सारा चीज़ को नोट कर लो, आपको बेटर हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल, 1/ कॉसेक थीटा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/ साइन थीटा, ठीक है। सेम वे दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? 1/ सेक थीटा। और उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सेक थीटा होता है वो 1/ कॉस थीटा होता है। देन टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है 1/ कॉट थीटा। और सेम वे हम लिख सकते हैं हमारा कॉट थीटा हो जाएगा 1/ टैन थीटा। तो ये हमारा जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम, आप मेंशन कर लेना, इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर हमारा कोसेंट रिलेशन भी होता है। कोसेंट रिलेशन का मतलब आप याद रखना, हम यहाँ लिख रहे हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम टैन थीटा बोलते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला है टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉट थीटा। तो फिर हम कॉट थीटा को क्या बोल सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप इसको चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। हमने बताया ना कि टैन थीटा होता है पी बाई बी, और हम यहाँ पे लिखे हैं साइन बाई कॉस। तो साइन के लिए हम लिखेंगे पी बाई एच, और कॉस के लिए हम लिखेंगे बी बाई एच, और ये एच एच कैंसिल, तो आ जाएगा ना टैन में पी बाई बी। सो होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है। आपको ये फॉर्मूला दोनों याद रखना है, ठीक है। आपको ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशन याद रखना है, और एज वेल एज ये आइडेंटिटीज़ को भी याद रखना है। तो हम इस आइडेंटिटीज़ को और थोड़ा अच्छे से बता देते हैं, होप आप ये सब नोट कर लियोगे। इसको रब कर देते हैं। तो ये जो आइडेंटिटीज़ है ना, इसमें जो फर्स्ट वाला है वो तो अपनी जगह सही है, सेकेंड वाले को आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जहाँ भी आपको sec स्क्वायर थीटा दिखे आप उसको 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, या फिर आपको 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा दिख रहा है आप उसको sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। दूसरा इस वाले से ही आ रहा है, ये हमारा है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आप रिलेशंस को याद रखना है। तो तीन ही आइडेंटिटीज़ इसमें हम इंटरचेंज कर दिए, तो ये दो नया फॉर्मूलाज तैयार हो गया, लेकिन है वही चीज़। ऐसा मत समझना कि ये अलग फॉर्मूला है वो अलग फॉर्मूला, ये उसी चीज़ का दूसरा अल्टरनेट वे है लिखने का। सो नाउ यहाँ तक हमने पूरा देख लिया, अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, सो डैट कि आपको ज़्यादा क्लियर हो। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको हम प्रूफ करके आपको एक 1/1 दिखाते हैं कि कैसे इस सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैन ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू सेके प्लस सेके इंटू कॉसेक ए, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट वाले का सॉल्व करते हैं। इसमें आप लिखोगे पहले एल एच एस, जो एल एच एस में लिखा हो ना आप उसको सामने लिख दो। सो टैन ए प्लस कॉट ए, आपको याद होगा हमने इसको रब कर दिया, हमने यहाँ पे लिख रखा था टैन ए को हम क्या लिखे थे? साइन ए ए बाय कॉस ए, ठीक है। हमने कॉट ए को क्या लिखा था? कॉट ए को लिखा था कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें, साइन और कॉस का क्या ले लें? एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर हो जाता है साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस ए, कि दोनों अलग अलग टर्म है ना, तो फिर एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है। अब हम कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस ए मिलेगा, साइन ए से करेंगे। अब इसी से इसको मल्टीप्लाई करते थे तो नॉर्मल है ना, 2/3 प्लस 4/7 अगर होता है तो आपका एलसीएम क्या आता था? 21 लेते थे ना, तो आपने 3 × 7 ही लिया था ना, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, 7 से। तो 7 को उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ 14 लिखते थे ना, तो जब हम कॉस ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए कॉस ए ऑप्टेन करने के लिए, तो फिर उसी साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है। प्लस साइन ए को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस ए से,
फिर कॉस ए इंटू कॉस ए और हमने अभी एक पहला आइडेंटिटीज हमारा पढ़ा था, ठीक है, दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन. तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड कॉस ए. अच्छा, वन बाई साइन ए, इसको समझ सकते हैं ना, वन बाई साइन ए इंटू वन बाई कॉस ए, एक ही बात है ना. वन बाई साइन ए को हमने क्या पढ़ा है, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक ए. और कॉसे का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सर सेक ए कॉसेक ए है, एक ही बात है, ठीक है. फाइव इंटू टू करो, टू इंटू फाइव करो, और यहाँ पर आप लिख दोगे इक्वल्स टू आर एच एस, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया. उसी तरह से हम सेकेंड वाला एक बार बता देते हैं. तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड वाले का एल एच एस लिखते हैं. यहाँ पर है हमारा कॉस 4a माइनस साइन 4a. आपको टारगेट ये रखना है कि आपको यहाँ से इस एल एच एस तक पहुँचना है. तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, ठीक है. हमने नाइन्थ में एक्सपेंशन में फॉर्मूलाज पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. उसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है. अब आप देखो कि ये तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, हमने पढ़ा है ना आइडेंटिटीज. तो यहाँ पर बचा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू वन, तो यही रहेगा ना. अच्छा, अब हमारा यहाँ पर सारे के सारे कॉस में ही है, साइन में है ही नहीं. तो हमने एक रिलेशन जो पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए. हम यहाँ से लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है. अब ये कॉस स्क्वायर ए माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा. अब ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन. तो होप ये वाला भी आप समझ गए. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और यहाँ पर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो इक्वल्स टू आर एच एस और फिर हैंस प्रूफ्ड. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, और यहाँ पर इसको भी प्रूफ ही करना है. तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, एल एच एस पहले लिख देते हैं. वन प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, यही है ना. इसको आप क्या करोगे, आपको लाना तो ये है, ठीक है. तो आप सोचो, इसको आप चाहो तो पूरा एक्सपैंड भी तो कर सकते हो. इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टू कॉट ए, टू ए भी होता है ना, तो टू इंटू वन इंटू कॉट ए टू कॉट ए हो जाएगा. और इधर करोगे तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टू कॉट ए हो जाएगा. अब ये जो प्लस टू कॉट ए है और ये जो माइनस टू कॉट ए कैंसिल हो गया, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू प्लस टू कॉट स्क्वायर ए. ओके, अब हम यहाँ पर इसी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टू कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. और हमने पढ़ा है ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आप अपना फॉर्मूला जाके चेक करो, ठीक है. तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे थीटा नहीं है, ए है, तो हम भी ए लिखेंगे. तो हमने प्रूफ कर दिया ना, इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है. उसी तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन हम यहाँ बता देते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में एल एच एस क्या गिवन है, टैन फोर ए प्लस टैन
स्क्वायर ए, ठीक है। अब हमको प्रूफ ये करना है, तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर ए कॉमन हो सकता है पूरे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने टू निकाल लिया तो टू बचा ना प्लस वन, और आप अपना फॉर्मूला देखोगे तो होता है सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लिख देते हैं, हमने पढ़ा था ना सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहे हैं सेक्स स्क्वायर ए, क्योंकि ए है। और हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। अब चेक करो, हम टेन को इधर ले आए वन को उधर ले गए, तो ये जो टेन स्क्वायर ए है इसको हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा सेक फोर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, आ गया ना इक्वल्स टू आर एच एस। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, हम लोग कुछ आगे और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं फिर। हमारे पास अब और भी कुछ क्वेश्चंस है, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ नंबर में इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल लाना है। तो थोड़ा सा देख के तो लेंदी लग रहा है, बट काफ़ी ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो आप उसको। आप क्या करोगे, पहले आप एल एच एस को मैंशन कर दो, ये फिफ्थ नंबर है, एल एच एस हमारा है साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए प्लस वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, इनका एल सी एम लेते हैं। एल सी एम लेंगे तो एल सी एम में तो दोनों अलग अलग टर्म है ना, तो प्रोडक्ट हो जाएगा इसका। तो साइन ए मल्टीप्लाइड वन प्लस कॉस ए, ठीक है। वन प्लस कॉस ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पूरा आएगा। अब उस साइन ए से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस साइन ए को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये पूरा टर्म आएगा ना। तो वन प्लस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए का वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे पे गया ना। अच्छा, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो न्यूमरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए, क्योंकि इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन, यहाँ पर आप लिखोगे साइन ए मल्टीप्लाइड वन प्लस कॉस ए। हमने आइडेंटिटीज़ आपको बार बार दिखेगा, पढ़ा है ना साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, ठीक है। तो ये दोनों का मिलके वन आ रहा है और ये ऑलरेडी एक वन है, तो वन और वन मिलके क्या हो चुका है टू प्लस टू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए। अगर हम न्यूमरेटर में टू कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए। अब ये वन प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन ए छूट गया था, ठीक है। और साइन ए का हमने रेसिप्रोकल क्या पढ़ा है कॉस ए के, कॉस ए के ऊपर आ जाएगा, आपने पढ़ा था ना। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कॉसेक ए इक्वल्स टू वन बाई साइन ए। इनफैक्ट आप जहाँ पर जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हो आपको यूज लिखना होगा, यहाँ पर आप लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। और क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ये वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए ये दिया हुआ है और ये आरएचएस लाना है। तो जब इस आरएचएस में आप ध्यान दो कि इसमें डिनोमिनेटर ही नहीं है, इसमें नीचे कुछ है ही नहीं, अगर कुछ नहीं है तो नीचे वन होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना मतलब अगर ये 1 माइनस कॉस ए है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ठीक है। ये तो एल एच एस ही था ना,
अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1 प्लस कॉस ए से, ऊपर में भी, और ये तो माइनस ही है। हाँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस कॉस ए से, और नीचे में भी 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पर आप मेंशन कर देना मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस कॉस ए, ठीक है? नहीं, इसको मेंशन कर देना, ठीक है? अभी हम जब मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से, एक ही चीज़ दो बार रिपीट हो रहा है, तो लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, हमने आइडेंटिटीज़ क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का बात करें तो साइन स्क्वायर ए आता है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है? अब ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो इस पूरे का हम एक साथ स्क्वायर ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, हो सकता है? अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ लिख देते हैं, जगह नीचे नहीं है, 1 बाई साइन ए, इंडिविजुअल कर रहे हैं, प्लस कॉस ए बाई साइन ए, और इस पूरे का होल स्क्वायर। हमने बताया ना 1 बाई साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए के, और कॉस बाई साइन हमने यहाँ पर लिखा था कॉट ए, ठीक है? तो इस पूरे का होल स्क्वायर, हमने RHS जो था हमने प्रूफ कर दिया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें भी आप देखो कि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है? मतलब 1 है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी रैशनलाइजेशन ही लगाना पड़ेगा। ये कॉस ए मल्टीप्लाइड क्या है, कॉट ए है, और नीचे में 1 माइनस साइन ए है, ठीक है? तो ये हम यहाँ लिखेंगे LHS, ठीक है? और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे को, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे से 1 प्लस साइन ए, और नीचे में भी 1 प्लस साइन ए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, कॉस ए इंटू कॉट ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, हाँ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 होता है ना। तो आप यहाँ से याद रखो ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, ये याद ही रखना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, तो ये कॉस ए, ये कॉट ए, और ये 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अभी हम कॉस स्क्वायर ए में से कॉस और एक कॉस कट गया, स्क्वायर है तो दो बार कॉस था ना, एक कट गया। अच्छा, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए होता था कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए, और ये मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए से, और नीचे में ऑलरेडी एक कॉस है ना बचा हुआ, तो ये कॉस और ये कॉस भी कट गया, ठीक है? अब हम जब इस साइन से 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए है ना, तो जब हम इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं, तो 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, और 1 बाई साइन ए हमने क्या पढ़ा है, कॉसिक ए, और साइन ए बाई साइन ए 1, और ये देखो हमारा RHS है कि नहीं। तो ये सारा क्वेश्चंस आपसे भी बनेगा, कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पहले बहुत बार बना चुके हैं, इसलिए हमसे ईजिली बन जाता है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप भी इस चीज़ को खुद से बना सकते हो। अगर आपने नोट नहीं किया था तो वीडियो को पॉज करके आप बैक जाके नोट कर लो।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर एक छोटा सा गलती था, हम इसको करेक्ट कर दें, यहाँ पे बी लिखे हुए थे, आप उसको रिकरेक्ट कर लेना, सही को सुधार लेना। तो LHS क्या है, cot A प्लस tan A tan B है, और नीचे है cot B प्लस tan A। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, न्यूमरेटर वैसे ही छोड़ दो, बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड हम यूज़ कर रहे हो वही करोगे। cot B है तो cot B को क्या लिख सकते हो, 1 बाई tan B, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर tan A है तो tan A को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cot A, ठीक है। अगर हम नीचे LCM ले लें तो न्यूमरेटर तो वही रहेगा ना हमारा, cot A प्लस tan B, और नीचे क्या हो जाएगा, cot A प्लस tan B अपॉन tan B मल्टीप्लाइड cot A, ठीक है, हाँ होता है। और फिर ये हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला कट जाएगा, तो हो जाएगा ये tan B मल्टीप्लाइड cot A। तो इस तरह से हमने, आप लिख देना RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स और है, आप उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना, और फिर आप एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 25 तक खुद से सॉल्व करोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे।